Hello student of class 8. Now I am going to tell you question tag and short answers. What is question tag? Question tag, usually in conversation we make a statement and ask the listeners to confirm it. जब हम conversation करते हैं तो एक statement बोलते हैं, फिर उस statement को सुनने वाले के लिए हम कंफर्म करने के लिए फिर एक क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं, उसी को हम क्वेश्चन टैग करते हैं. फॉर एग्जांपल, ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है. इजंट ही, क्या वो नहीं है. दिस इज द शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग. ही इज अ डॉक्टर. इजंट ही, वह एक डॉक्टर है, क्या वो नहीं है. द शॉर्ट क्वेश्चन आफ्टर द स्टेटमेंट इज कॉल्ड द क्वेश्चन टैग. यही जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं स्टेटमेंट के जस्ट बाद, इसी को कहते हैं क्वेश्चन टैग. देयर आर थ्री रूल्स टू मेक द क्वेश्चन टैग. फर्स्ट रूल, इफ द गिवन स्टेटमेंट इज पॉजिटिव द क्वेश्चन टैग इज इन द नेगेटिव एंड वाइस वर्सा. अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव होगा. फॉर एग्जाम्पल, शी इज प्रिपेयरिंग वेल, वह अच्छी से तैयार कर रही है. इजंट शी, क्या वो नहीं कर रही है. आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव था और यहां पे जो शॉर्ट क्वेश्चन बना, क्वेश्चन टैग बना, वो नेगेटिव बना. अनदर एग्जाम्पल, ही हैज डन नथिंग रॉन्ग, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है. यहां पे आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है और शॉर्ट क्वेश्चंस हैज ही, ये आपका पॉजिटिव है. नाउ सेकेंड रूल, यूज द सेम टेंस इन विच द स्टेटमेंट इज मेड. उसी टेंस का इस्तेमाल करना है जिस स्टेटमेंट में आपका, जिस टेंस में आपका स्टेटमेंट होता है. सेम टेंस, we have to use same tense. For example, you are going on leave, tum chuttiyon par ja rahe ho, or not you. The question tag and short answers are the same. Third rule, we use pronoun as the subject of the question tag. Gayatri will oblige you. Will she? यहां पे अगर वो फीमेल होगी तो शी, और अगर मेल होगा तो ही, और नॉन लिविंग थिंग्स है तो फिर इट. तो प्रोनाउन हम उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज करेंगे. शॉर्ट आंसर्स, द शॉर्ट आंसर्स आर कॉल्ड एस आर नो क्वेश्चंस. इस शॉर्ट आंसर्स को हम एस आर नो क्वेश्चन भी कह सकते हैं. इन सच आंसर्स हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट. इस तरह के आंसर्स में हमारा हेल्पिंग वर्ब उस सब्जेक्ट के पहले आता है. फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक इंग्लिश मूवी, क्या तुम्हें इंग्लिश मूवी पसंद है. यस आई डू. आर यू बॉय, क्या तुम लड़के हो. यस आई एम. दिस इज द शॉर्ट आंसर्स. Yes, I know. Yes, I am. Yes, I do. सिर्फ इतना बोल देने से पूरा का पूरा आंसर्स बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है. Yes, I do. Yes, I am. Do you like English movie? Yes, I do. Are you boy? Yes, I am.